इस दफा 14 किल्स के साथ लेके जाते हुए एक हैट्रिक जो किया किस वो टीम गॉन एक्साइट की तरफ से जरूर सिक्योर कर में इलिमिनेशन भी मिलता है गॉन एक्साइट अपने दो किल के साथ चारों प्लेयर्स को भी चलिए सर्वाइव करवा लेते हैं। दो तीन का एक स्प्लिट सेल और एक सोलो प्लेयर का स्प्लिट सेल देखने को मिल रहा है। तीन प्लेयर सर्कल के अंदर रहेंगे, एक अकेले प्लेयर जो कि आईक्यू रहते हैं वो इस वक्त सर्कल के अंदर नहीं रहेंगे, लेकिन एचवी कर रहा है वहां पर एक अच्छा स्प्रे डाउन मिलता है, किल आ सकता था लेकिन आईक्यू वो किल डेफिनेटली सिक्योर भी करते हुए नजर आएंगे। लिविंग ओनली ड्रेड इज द फाइनल होप द टीम पलक एक बैक एंगल सेंटर कर रहे हैं लेकिन आईडिया इनको रहता है कि इस गाड़ी के पीछे ही प्लेयर रहेंगे। यूएमपी का इस्तेमाल ओपन एरिया फील्ड के अंदर दिया जाएगा लेकिन प्लेयर वहां पर स्पॉट नहीं होते, गाड़ी फाइनली फटती है, प्लेयर एलिमिनेट होते हुए देखने को मिलते हैं। पलक का ये किल और आ जाता है लेकिन ब्लेड उस दौरान नॉकआउट जरूर कर दिए जाते हैं, नॉकी का फायर आएगा, हसान को एलिमिनेशन वहां पर से मिलती है। एंड देखते ही देखते एक्सजी की टीम जो कि 12 किल सिक्योर किल्स कर चुकी हुई है, जस्ट लुक एट दैट, 12 किल इन्होंने सिक्योर कब किए, किस टाइम किए, लेकिन अभी के लिए टीम इज नो लॉन्गर इनटू द गेम। एक्सजी को भी एलिमिनेशन मिलता है बाय द हैंड ऑफ आर3जी और अब फाइनली आर3जी जो भी के 11 किल अपने नाम भी सिक्योर कर चुकी हुई है। एक कंप्लीट स्क्वाड फाइट के अंदर मुब्तला होगी जिसमें से 3-4 की सिचुएशन एगोन एक्साइट के खिलाफ इनकी बन रही है। बट एग्जैक्टली सिचुएशन बहुत ज्यादा इंटेंस बन जाती है, गॉन एक्साइट के पास कंप्लीट कंट्रोल रहता है, नंबर्स एडवांटेज, जोर एडवांटेज, स्पीड एडवांटेज, टीम आर3जी पिन डाउन रह जाती है, अगर एक ने जाकर पोटेंशियल पे नॉक डाउन हो जाएगी लेकिन उज़म ऑन द चार्ज प्लेयर को नॉक डाउन किया जाता है। सिचुएशन 4v2 विद द मोलोटोव, जब मोलोटोव किया जाता है फलक विद द नेट, नॉकी हैव बीन टेकन डाउन, वाज इज द ओनली प्लेयर सर्वाइविंग एंड टीम गॉन एक्साइट इज सर चार्जिंग राइट नाउ फॉर गेटिंग देयर हैंड्स ऑन विनर विनर चिकन डिनर एंड डे 4 का आगाज। पहली विनर विनर चिकन डिनर के साथ क्या जाता है, वाज ने थोड़ी बहुत रिटेलिएशन की जरूर थी बट एक प्लेयर को तो रोक लेंगे, बाकी सारे प्लेयर्स को कैसे रोकेंगे। तो फलक को नॉकडाउन किया जरूर था लेकिन सही टाइम पे कवर फायर प्रोवाइड किया जाता है एंड उनको बचाया जाता है। बट टीम एक्सजी ऑन द चार्ज राइट नाउ आ चुकी है फाइनली एक स्टेटमेंट देने के लिए, फाइट करने के लिए, द पीएमएनसी चैंपियंस, बट उन चैंपियंस को चलती व्हीकल से तो नहीं बल्कि एग्जिट देने के बाद उतारा जाता है। शामीर बॉय इज टेकन डाउन, हंटर भी लो नेट रहेंगे, आईक्यू वो चार्ज अप करें, उनको इंटरेस्टिंगली ये सारे किल्स पॉइंट्स चाहिए, उनको अपना बैक प्लेयर रखना है। एंड टीम एक्सजी के लिए अगर टीम 52 ईस्पोर्ट्स दूसरा एंगल से भी एडवांसमेंट कर जाती है तो उनके लिए बहुत बुरी साइड सिचुएशन है कि हंटर व्हाट आर यू डूइंग ओपन में, स्मोक कवर्स क्यों नहीं रहने वाले हैं, टीम एगोन शायद पनिश कर दिया आप बगल जी, पनिश किया जाता है एक्स जनरेशन राइट एट दैट टाइम, एक और दो और अपने प्लेयर्स का यहाँ पर से खात्मा करवाते हुए देखने को मिलेगी। मखमल बॉय बिल्कुल 52 ईस्पोर्ट्स के शाना बशाना रहते हैं फाइट के लिए लेकिन 52 ईस्पोर्ट्स दे हैव मूव्ड आउट ऑफ दैट लोकेशन, फलक वो एंटर यहाँ पर से करने वाले हैं। मखमल बॉय के साथ एक 1v1 लिया जा सकता है लेकिन मखमल बॉय वो एक कवर के अंदर रहेंगे, स्मोक्स का एक मसनूई कवर जो कि एक वर्चुअल कवर वो इनकी तरफ से जरूर प्रोवाइड हो चुका है। बैक एंड पे फाइट्स का जो कि सिलसिला है वो भी चलते हुए नजर आएगा। मिस्टर ब्लैक यासू को नॉकआउट करते हैं फ्रॉम द टीम एगोन एक्साइट, आईक्यू को एलिमिनेट करेंगे एंड मखमल बॉय बीइंग द सोलो प्लेयर राइट नाउ टीबीएस का एक शॉट देते हैं और अपनी मौजूदगी का एहसास यहां पर से दिलाया जाता है अगेंस्ट द टीम एगोन एक्साइट, उनको रिटेलिएशन शॉट्स काफी ज्यादा डैमेज दे जाती हैं जिसकी वजह से प्ले जोन से ये टीम भी एलिमिनेट होते हुए देखने को मिलेगी। लेकिन श्योर हो रही है कि प्लेयर्स अभी भी आउट नंबर होते हुए फाइट में अपनी इन्वॉल्वमेंट ले रहे हैं लेकिन गॉड फ्यूरी उज़म को नॉकडाउन कर जाते हैं एक लॉन्ग डिस्टेंस प्ले के थ्रू, टीम एगोन एक्साइट के लिए मुश्किलात बनाई जा रही है, जोन के अंदर ऑलमोस्ट आ चुके हैं पर टीम स्टार क्या मजीद और मुश्किलात खड़ी करेंगे उनके लिए, ये सबसे बड़ा सवाल। बट जोकर क्लोज लाइन पे आ चुके हैं टीम टीजी एंड बैकलाइन से टीम एगोन एक्साइट, साथ साथ दो टीम को साथ इनको अपना इन्वॉल्वमेंट बनानी पड़ेगी। नेड भी आ रहा है लेकिन टीम उस चीज को डॉट करते हुए जोकर ओपी विद द टीबीएस फ्लक को नॉकडाउन किया जाता है, बट साथ ही साथ ब्लेड इनके साथ 1v1 जीतना नेक्स्ट इम्पॉसिबल रहता है। टीबीएस वर्सेस यूएमपी की फाइट में एगोन एक्साइट के ब्लेड वो फाइट में ओवर कर जाते हैं विद 7 ओवरऑल किल, चारों प्लेयर सर्वाइव करने वाले हैं। तो और क्या ये कंसिस्टेंसी बैक टू बैक वन वन चिकन डिनर रहने वाला है या तो फिर नहीं, किल्स का फैक्टर अपने लिए फॉर्म अप कर रहे हैं लेकिन एट द सेम टाइम टीम एगोन एक्साइट के किल्स की बात की जाए 9 किल्स आई थिंक यहां पर अपने नाम सिक्योर करते हैं। देयर वी गो एवेंजर अपनी टीम के लिए यहां पर से यासू को नॉक करके अवेंज करते हुए। वेल एग्जैक्टली एवेंजर की लोकेशन बहुत ज्यादा क्रूशियल रहेगी लेकिन रोशन उनको बच के रहना पड़ेगा टीम एच2ई की प्रेजेंस का, उनको अगर इंटेल रहती है तो उनको अभी फाइट लेनी नहीं है। रेक्स रेड एंड जेडी ये सारे प्लेयर्स टीम एगोन एक्साइट को नॉकडाउन कर सकते हैं बट चार्जअप क्या आ जाएगा, रोशन खतरे में रहने वाले, बैकलाइन से एवेंजर को कवर देना पड़ेगा बट ट्रैक्स पहले ही बैकअप को नॉकडाउन कर जाते हैं। एवेंजर जो कि अच्छी पोजीशन पे रहने वाले थे उनको नॉकडाउन किया जाता है बट रोशन विद द नेड उनको भी नॉकडाउन कर जाते हैं। एलिमिनेशन टीम आर3जी बहुत अच्छे टाइम तक इन्होंने सर्वाइव किया, किल्स भी उठाए बट अब सिचुएशन 4v3 की बन जाती है। टीम एगोन एक्साइट वंस अगेन क्लोजिंग अप फॉर दैट विनर विनर चिकन डिनर, नॉक किल जाने वाले हैं, फुलक चार्टर पर तो दिखाई दे रहे टीम एचटूई ऑलरेडी परेशानियों में रहने वाले, जेडी इज द ओनली प्लेयर सर्वाइविंग एंड दैट्स इट। और एक डे 4 का द बर्थडे बैश प्रेजेंटेड बाय कॉर्ड ईस्पोर्ट्स, टीम एगोन एक्साइट द बेस्ट टीम ऑफ पाकिस्तान बैक टू बैक विनर विनर चिकन डिनर ले जाते हैं। बिल्कुल जी, बैक टू बैक विनर विनर चिकन डिनर, हम ये देख रहे हैं तब से
जब से टीम बबलू इधर सर्वाइव कर रही थी उनको एलिमिनेट किया गया, क्योडी गेट्स टेकन डाउन, क्यूआर इस एंगल से नहीं मूव करती, लेकिन गॉन एक्साइट ऑन द अदर हैंड अगेंस्ट द टीम एक्स जनरेशन, ये ग्रेनेड जाता है, एक अच्छा कनेक्टिविटी, टू प्लेयर को एक ही ग्रेनेड से नॉकआउट किया जाएगा, और बकाया दो ग्रेनेड जो है वो भी थ्रो एट द सेम फेस कर दिए जाते हैं, लेकिन शमीर बॉय ही स्टिल अलाइव, वो भी यहां पर से जिंदा रहने वाले, किल जरूर सिक्योर किया था लेकिन इस दरख्त के ऊपर कंसिस्टेंट फायर जो किया वो जरूर चलते नजर आ रहे हैं, प्लेयर को डैमेज भी मिलेगा लेकिन फिर स्टिल इन द कवर, कवर के अंदर जाते हैं लेकिन बैक से फायर आता है, आईक्यू का मौका ही नहीं मिलता, मौका ही नहीं दिया जाता टीम एगॉन एक्स आई8 की तरफ से, और ये अभी के लिए मौका जो कि एक टीम को नहीं दिया वो सिर्फ और सिर्फ एक टीम के ऊपर नहीं, हर जगह पर खेल से यही चल रहा है, जस्ट लुक एट दैट, एक्सजी के साथ एक फाइट उन्होंने ली, अब दूसरी तरफ से टीम आरबी के साथ भी यहां पर से फाइट लेते हुए देखने को मिल रहे हैं, एंड ऑल ऑफ दीज डिफरेंट टीम्स, ऑल ऑफ दीज डिफरेंट प्लेयर्स, इनकी आखिरी उम्मीद यही रहती है कि दे गो फॉर दैट हील बैटल जो कि गोकुबॉट देखने को भी मिल रहे हैं, लेकिन नो बिग मिस्टेक, गोकू बॉट हील छोड़ के जोकर के जो पिक्सल दिख रहे होते हैं उस पे शॉट्स लेते हैं, वो खुद शॉट्स खा जाते हैं एंड डैमेज से ही प्ले जोन से एलिमिनेट हो जाते हैं, टॉप 6 टीम एगॉन एक्साइट वंस अगेन लीडिंग द किल नंबर्स, H2 पे अब अपना कहर बरसाया जा रहा है, 9 किल्स, हर प्लेयर स्टेप अप कर रहा है किल डिपार्टमेंट में, 10वां किल कुछ ही लम्हात में आ जाएगा, ये लीजिए जैसे मैं बोलता हूँ उससे पहले आ जाते हैं, और किल आ रहे हैं टीम आईएट अब रुकने नहीं वाली, इनकी तरफ से भी अब एग्रेसिवली स्टांस लिया जा रहा है, 3 किल आईक्यू, 2 किल प्लग, 3 किल उजम, 3 किल ब्लेड, हर खिलाड़ी अब ये ठान के आया है कि डे 4 खत्म होने से पहले 8 में से 4 खिलाड़ी टीम एगॉनिक्स आईएट के टॉप फ्रैगर्स में देखने को मिले, टॉरिक्स आ जाती है, 0 किल रहने वाला इस टीम का, टीएफडी फ्रीस्टाइलर के क्लोज बाय विसिनिटी से गुजर रहे हैं, फ्रीस्टाइलर इस वक्त इंतजार में है कि प्लेयर इधर एंटर हो, प्लेयर यहां पर से सीढ़ियां बस चढ़े और डीबीएस के जो के शॉट्स हैं वो प्लेयर को नॉक नहीं बल्कि फिनिश करने में आएंगे, फ्लिकर कैन मेक अ डिफरेंस विद द फ्रीस्टाइलर, पीछे से फ्लिकर वो भी रेडी रहते हैं, इज दिस द एंड फॉर द टीम एगॉनिक्स आईएट, लेकिन नहीं, पीछे से कवर आता है, फाइनली वो दो प्लेयर्स को एलिमिनेट मिलेगा एंड एक किल कहीं ना कहीं से वो सिक्योर भी कर जाते हैं अपने, फ्लिकर फ्लिकर फ्लिकर, 3 ग्रेनेड्स इनके पास भी रहते हैं, प्लेयर एंटर करते हैं राइट एट द सेम टाइम स्प्रे दिया जाता है, नॉकआउट मिलेगा प्लेयर को, फिनिश करने की यहां पर कोशिश की जाएगी एंड देयर वी गो, अप फाइट जो कि वो 1v यहां पर से 2 में चेंज होते हुए किस नजर आ रही है, और टीम एगॉनिक्स आईएट 3 नेड्स, दिस माइट नॉट बी अ ग्रेट टाइम फॉर दीज गाइज, इनको ऊपर निकलना है, इनको आगे की तरफ आना है, सर्कल में बेशक है लेकिन एक बॉटम साइड विसिनिटी पे रहते हैं, अगली टीम आपको देख सकती है, असाइड फ्रॉम दैट आरबी के फल प्लेयर्स की तरफ से फायर आता है, राइट आता है, वेरी पॉइंट ऑफ फलक है, फाइट को 1v1 पे एंगेज किया जाएगा एंड दिस इज दिस टाइम, दिस इज द मोमेंट जहां पर आरबी फ्लिकर अपनी टीम के लिए एक कमबैक दिखा सकते हैं, ग्रेनेड जरूर जाएंगे लेकिन नॉकआउट्स फिनिश ऑफ नहीं मिलता, प्लेयर वहां पर स्पॉट डाउन भी कर लिया जाता है, There we have it. Knockout किया जाता है, finish off किया जाता है और अब जाके अपनी top 2 के अंदर position और winner winner chicken mollies अपने सारे throwables इस्तेमाल कर रहे हैं, emotes भी आए लेकिन look at that, first dead भी गिरा दिया, उनको पता चल चुका है, ये एक थोड़ा सा आइडिया दिया गया कि yes someone is going for that heel battle, लेकिन there we go, Reba finish off होती है play zone से और winner winner chicken dinner once again, team Egon XI8 अपने नाम इस दफा 14 किल्स के साथ लेके जाते हुए एक हैट्रिक जो किया किस वो टीम एगॉन एक्साइट की तरफ से जरूर सिक्योर कर ली गई है।